दोस्तों, भारत की स्वर कोकिला भारत रत्न सम्मानित लता दीदी के निधन के बाद से पूरा देश सदमे में है। स्वर कोकिला के पार्थिव शरीर को उनके मुंबई वाले घर प्रभु कुंज भवन लाया गया, जहां फैंस समेत दिग्गज राजनेता सितारे लता मंगेशकर के अंतिम दर्शन के लिए पहुंच रहे थे। इसी शोक भरे लम्हों के बीच सोशल मीडिया यूजर्स की नजरें एक्ट्रेस अंकिता लोखंडे की एक्टिविटी पर पड़ी, जिसे देख यूजर्स अंकिता की जमकर क्लास लगाते नजर आए। जी हाँ दोस्तों, जिस वक्त लता मंगेशकर जी इस दुनिया को अलविदा कह गई और हर आदमी सदमे में था पूरे देश में, उस वक्त डांस वीडियो शेयर कर रही थी अंकिता लोखंडे अपने इंस्टाग्राम पर। अंकिता लोखंडे का ये वीडियो देखने के बाद यूजर्स भड़क गए और उन्हें जमकर ट्रोल किया गया सोशल मीडिया पर। अंकिता लोखंडे ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम से एक वीडियो शेयर किया था, जिसमें पति विकी जैन संग गाड़ी में सवार होकर कहीं जाते नजर आ रही थी। इस वीडियो में अंकिता को पंजाबी सिंगर हाडी संधू के गाने बिजली बिजली पर थिरकते और मस्ती करते हुए भी देखा गया। जी हां दोस्तों, एक वक्त जहां पूरा देश सदमे में था लता दीदी के अचानक चले जाने से, उस वक्त अंकिता लोखंडे अपनी नई गाड़ी में बैठकर बिजली बिजली गाने पर थिरकती हुई नजर आ रही थी। अंकिता लोखंडे का ये डांस वीडियो देखने के बाद यूजर्स भड़क गए और तरह तरह के कमेंट्स किए गए अंकिता लोखंडे के डांस वीडियो पर, यहां तक कि उन्हें काफी शेमफुल भी कहा गया। जी हां दोस्तों, अंकिता लोखंडे ने जिस तरीके से लता दीदी के निधन के वक्त ये वीडियो शेयर किया, उसके बाद हर कोई काफी हैरान था कि इतनी बड़ी टीवी एक्ट्रेस भला ऐसा कैसे कर सकती है, जहां हर कोई अपनी सोशल मीडिया अकाउंट पर लता मंगेशकर जी को श्रद्धांजलि दे रहा था। उस वक्त अंकिता लोखंडे अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर अपनी ये डांस वीडियो शेयर कर रही थी। लता मंगेशकर के निधन पर अंकिता को इस तरीके से मस्ती करता देख सोशल मीडिया यूजर्स भड़क गए और उनकी जमकर क्लास लगाने लगे। अंकिता लोखंडे की इस पोस्ट पर आप देख सकते हैं लोगों के कमेंट्स, किस तरीके से लोग कह रहे हैं कि थोड़ा तो शर्म कर लेती, इस तरीके से नाचते गाते वीडियो कौन पोस्ट करता है। जी हां दोस्तों, बहुत बुरे तरीके से ट्रोल किया गया है सोशल मीडिया पर अंकिता लोखंडे को, जब उन्होंने लता दीदी के निधन के बाद ये वीडियो शेयर किया है डांस करते हुए, वो भी अपने पति के साथ।